तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से 3557 वैकेंसी निकल कर आ रही है। आज उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसका पूरी की पूरी जानकारी जो है इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए तो आप पूरी तरीके से जो है समझ पाओगे। तो देखिए यहाँ पर BCA BCM BMBC DC अदर कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपीज़ जो है इसका पेमेंट भी कटेगा। और STSC डिफरेंटेबल पर्सन डिस्टीट्यूट विंडो फॉर ऑल कास्ट के लिए 1000 रुपीज़ कटेगा, यानी कि कोई भी चार्जेस जो है नहीं कटेगा। पेमेंट मोड जो है थ्रू ऑनलाइन के आधार पर होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन इशूड ये 18/4/2021 को ये पोस्ट डेट जो है आ गया था। और इसका लास्ट डेट जो है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन की सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट ये 9 जुलाई 2021 तक है, यानी कि ये एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो एक्सटेंड 6/6/2021 से 9/7/2021 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया। और इसका एज लिमिट आप देख सकते हो मिनिमम एज लिमिट जो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है यहाँ पर देख सकते हो SC ST MBC DC BC BCM और डिस्टीट्यूट विंडो पॉडकास्ट के लिए ये 35 ईयर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट बैकवर्ड क्लास OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है ये 32 ईयर्स और एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये है UR के लिए 30 ईयर्स आप देख सकते हो। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा STSC एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कैंडिडेट शुड पास इट एट क्लास होना चाहिए उनके पास, 8 क्लास कंप्लीट किए होंगे तो ये पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर रिमाइनिंग पोस्ट जो है कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड एंड राइट तमिल आना चाहिए कैंडिडेट को रीड एंड राइट करने के लिए, यानी कि पढ़ लिख सकते हो तमिल पे अगर वही अप्लाई कर सकते इस पोस्ट को। तो यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी डिटेल्स पे पोस्ट नेम जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये 1911 पोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट कम फुल टाइम वॉचमैन के लिए टोटल 1 पोस्ट है। कॉपी स्टैंडर के लिए टोटल 3 पोस्ट है। स्टेनरी वर्कर के लिए ये टोटल 110 पोस्ट है। स्कैवेंजर के लिए ये टोटल 6 पोस्ट है। और स्कैवेंजर सैनिटरी वर्कर के लिए ये 1 पोस्ट है और गार्डनर के लिए ये 28 पोस्ट है। वॉचमैन के लिए 496 पोस्ट है और नाइट वॉचमैन के लिए 185 पोस्ट है। नाइट वॉचमैन कम मसलची के लिए 108 पोस्ट है। वॉचमैन कम मसलची के लिए 15 पोस्ट है। स्वीपर के लिए 189 पोस्ट है। स्वीपर स्कैवेंजर के लिए 1 पोस्ट है और वाटरमैन एंड वाटर वुमेन के लिए टोटल 1 पोस्ट है। मसलची के लिए 485 पोस्ट है, 485 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी डाउनलोड पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप जो है आपका डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैं चेन्नई सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है इस तरीके से स्क्रॉल करना है। मेरे को इंग्लिश वर्सन चाहिए तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो किस कैटेगरी में कितने जो है। तो मेरे को के यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर VI स्टैंडर्ड होना चाहिए, VIII, यानी कि 8 क्लास होना चाहिए। तो मैं फिलहाल अभी ये कॉपीस्ट वॉचमैन के लिए मैं इंग्लिश वर्सन जो है डाउनलोड करता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर दिया तो इसका फुल नोटिफिकेशन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये इसका पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 6/6/2021 है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें जो है मैं वही आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये www.mhc.tn.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म जो है भर सकते हो इस पोस्ट के लिए।
तो मैं आपको दिखाता हूँ और एग्ज़ाम क्या क्या मार्क सिलेबस क्या क्या रहेगा मैं आपको सभी दिखा दूँगा इस वीडियो पे, आप अंत तक बन रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सैलरी जो है ये लेवल वन पे ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट कॉम फुल टाइम वॉचमैन के लिए 15,700 से लेकर 50,000 सैलरी रहेगा लेवल वन पे, और ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल 183 पोस्ट है, और ऑफिस असिस्टेंट कॉम फुल टाइम वॉचमैन के लिए टोटल 1 पोस्ट है। ये चेन्नई पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। तो इसका क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा मैं आपको और भी दिखा देता हूँ नीचे। तो देखिए, ये एक सर्विस, ये एज लिमिट एक सर्विसमैन के लिए छूट दिया गया है, इनके लिए 53 ईयर्स कर दिया गया है। और यहाँ पर एज लिमिट फॉर अदर्स एक सर्विसमैन के लिए ये भी 48 ईयर कर दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें जो है मैं आपको वही बताऊँगा। तो मैं अभी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मस्ट बी एबल टू राइड बाईसाइकिल, क्वालिफिकेशन जो है बाईसाइकिल उनको चलाना आना चाहिए, और ये भी त्रिपुरा स्टैंडर्ड यानी कि 8th स्टैंडर्ड होना चाहिए। प्रिफरेंस विद पोसेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितने चार्ज जो है कटेगा मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले से। तो मैं आपको और भी इसका इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जो है देख सकते हो यहाँ पर आप। ये सिलेबस जो है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटी एंड नॉलेज इन हाउस कीपिंग, हाइजेनिक फूड एंड सर्विस, फूड प्रोडक्शन, गार्डनिंग स्किल, वाटर कन्वर्सेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गार्डिंग हाउस ऑफिस इटीसी। द क्वेश्चन पेपर विल बी ओनली इन तमिल, तमिल पे रहेगा आपका क्वेश्चन। और पार्ट बी पे यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल तमिल अप टू 8th स्टैंडर्ड लेवल ऑफ तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट सिलेबस पे आपके आधार के पर होना चाहिए होगा आपका। तो देख सकते हो आप जनरल तमिल ये गवर्नमेंट की सिलेबस के आधार पर आपका एग्ज़ाम जो है रहेगा। और यहाँ पर पार्ट ए आप देख सकते हो 9 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो है 6 मार्क का, यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं आपको और भी चीज़ें जो है आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। तो ये देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.mhc.tn.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर फॉर्म जो है भर सकते हो। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, आप पूरी तरीके से यहाँ पर रीड कर सकते हो किस कैटेगरी में कितना पोस्ट जो है अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दो, और बगल में जो बेल का आइकन है उस पर भी दबा दो ताकि और भी जॉब अपडेट आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।